हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र गिरी। आज हम चल रहे हैं जोधपुर के मंडोर गार्डन की तरफ, जो सबसे प्रसिद्ध हैं। यह जोधपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर हैं। आप अगर आना चाहें तो जोधपुर रेलवे स्टेशन से एक नंबर बस आती है जो सीधे मंडोर गार्डन पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों, हम मंडोर गार्डन की तरफ चलते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना काल चल रहा है, मंडोर गार्डन खुला है या नहीं। तो दोस्तों अब मंडोर गार्डन खुला है, तो आप देख सकते हो पूरा व्यू। अब मंडोर गार्डन के अंदर एंटर होते हैं, इसके सामने ही 2-4 गार्ड हैं। अगर आपका पर्स या मोबाइल चोरी हो जाता है इनको बता सकते हो, अगर मिल जाता है तो इनको दे सकते हो, क्योंकि ये दूसरों को लौटा सकते हैं। तो आगे चलते हैं मंडोर गार्डन के बारे में, इसकी पूरी जानकारी देते हुए आपको ये नक्शा दिखाता हूँ मंडोर गार्डन का। ये बहुत ही बड़ा है और विशाल बना हुआ है। आगे हम चलते हैं, तो 2 दिन पहले ही बारिश हुई है, मंडोर गार्डन में पूरी हरियाली नज़र आ रही है। आपको मंडोर गार्डन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाने वाला हूँ, जिसमें अजीत पॉल, देवताओं की साल, वीरों का दलाना, मंदिर, बावड़ी, संग्रहालय, एक थंबा महल, महाराजाओं के देवल आदि दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए आपको एक इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी दिखाऊंगा, जिसमें नागादड़ी, मंडोर दुर्ग, नहर, झील, मंडोर गार्डन के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अभी क्या है कि मंडोर गार्डन में सड़क की व्यवस्था सही नहीं है, मंडोर गार्डन में काम चल रहा है, इसलिए हम सड़क से नहीं जाकर मंडोर गार्डन में धूप में चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, आपको मंडोर गार्डन में सबसे शानदार और स्पेशल अजीत पॉल की तरफ ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, अजीत पॉल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये अजीत द्वार लिखा है, ये अजीत पॉल है, आपको इसके अंदर से लेकर जाएंगे। तो बंदे भी खड़े हैं, ये अजीत पॉल। ये अजीत पॉल। हेलो दोस्तों, ये मेरे पीछे अजीत पॉल है, इससे हम एंटर हो गए हैं। और इसके बाद है देवताओं की साल, इसमें 36 करोड़ देवताओं की मूर्तियां हैं, आपको उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर है ना जूते उतारने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ देवताओं की साल है, यहाँ से शुरू होती है देवताओं की साल। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं गजानन जी महाराज, जलंधर जी महाराज, उसके बाद आते हैं महादेव जी, उसके बाद आते हैं कृष्ण जी, उनके बाद आते हैं रामचंद्र जी, उनके बाद आते हैं सूर्यदेव जी, फिर आते हैं ब्रह्मा जी, उनके बाद में आते हैं मेहा जी, फिर आते हैं गोगा जी, फिर आते हैं अड़बू जी, रामदेव जी, बाबू जी महाराज, उनके बाद आते हैं मलिना जी, उनके बाद आते हैं गोसाई जी, बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। ये आते हैं महिषासुर मंदिनी माता, उनको आते हैं चामुंडा माता जी। ये देवताओं की साल है, सब आप देख सकते हो, देवताओं की साल का पूरा नज़ारा आपको दिखाया। अब आप चलते हैं मंदिर की तरफ।
काले बेर जी, ये बीच में गजान जी है। ये गोरे बेर जी है। मंदिर बड़ा ही शानदार सजाया गया है। हेलो दोस्तों, मंदिर के बाद में आपको बावड़ी दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये बावड़ी लिखी हुई है। इसके अंदर जाने का रास्ता ये है, ये वाला है दोस्तों। ये बावड़ी है, यहाँ ताला लगा हुआ है क्योंकि अंदर जाना मना है। और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, कछुआ भी है। ये आपको दिखाई दे रहा है कछुआ, कछुओं के ऊपर मछलियाँ भी तैर रही है, सब काली मछलियाँ हैं। हम मंदिर के बाद में हम चलते हैं, तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। के बाद में थोड़ा सा दूर आते ही यहाँ पर एक खंबा पोल दिखाई देगी आपको। ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है ये पोल किस लिए थी पहले, तो आपको मैं यहाँ से पूरा बता देता हूँ ये पोल किस तरह की थी। लोगों को मालूम है ये मंडोर रावण का ससुराल हुआ करता था, पर अभी तक ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो मंडोदरी थी रावण की पत्नी, तो ये उस जमाने में ये चंवरी कहलाई जाती थी। यहाँ पर मंडोदरी और रावण की शादी हुई थी। तो देखिए पूरा चारों तरफ, हेलो दोस्तों, मंडोर गार्डन को देखने के लिए घर से समय निकाल कर आना पड़ता है, क्योंकि मंडोर गार्डन इतना बड़ा है, इसको देखने के लिए कम से कम एक घंटा तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको देखना है तो ज़रूर बता रहे, क्योंकि मंडोर गार्डन इतना सुंदर बना है जिसमें से दूर दूर से पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है इसलिए अभी मंडोर गार्डन में भीड़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे आपको और एक शानदार इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे ये मंदिर की तरफ मंदिर की जैसे लगते हैं, ये आखिरकार ये महाराजा अजीत सिंह के देवल बने हैं। तो आपको मैं इन देवलों के अंदर भी ले जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराने बने हैं, पुरानी नक्काशी हुई है इसमें, बहुत ही शानदार बने हैं। तो चलिए दोस्तों मंदिर की तरफ, तो मंदिर के आपको अंदर भी ले जा रहा हूँ। तो मंदिर के बाहर कुछ लिखा हुआ है जिसमें बोला गया है कि मंदिर से अंदर जाने से पहले जूते ज़रूर उतारें। तो चलिए दोस्तों जूते उतार के चलते हैं मंदिर के अंदर।
हेलो दोस्तों, ये देख रहे हो आप मंदिर, इसका बहुत ही आकृति से बनाया हुआ है। पुराने समय की ये डिज़ाइन है, आप अपने घरों में करा सकते हैं। एक ये मंदिर है, एक साइड में और मंदिर है, ये भी आपको मैंने अभी दिखाया था, ये आपको भी दिखा दिया है। और इसके पीछे का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, देख लीजिए। हेलो दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगले नेक्स्ट वीडियो में मंडोर गार्डन की मैं पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि एक वीडियो और आने वाला है मंडोर उद्यान के बारे में, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगला नेक्स्ट वीडियो मंडोर उद्यान के बारे में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।